नहीं पीता था 2 दिनों से, लेकिन आज फिर से शुरू कर दिया है। और मैं तो पीता था, 1 दिन बंद किया था, लेकिन आज फिर से शुरू कर दिया क्योंकि। हेलो वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग और गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने अपने सनग्लासेस लगा दिए, यानी कि मैंने नए ले लिए क्योंकि एक नया वायरस आया हुआ है यहाँ पर। तो होता क्या है कि थोड़ी आँखों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने सोचा थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए ले लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ नया ट्राई करता हूँ, लेकिन ये वाले ट्राई किए। आप कमेंट करके बताइए कि मुझे कैसे लग रहे, अच्छे नहीं लगेंगे तो मैं बदलूँगा, क्योंकि पहले मैं इससे छोटे पहनता था, लेकिन आज थोड़े बड़े ट्राई किए सौरव जोशी जैसे। तो आई होप आपको पसंद आए होगी, पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके यहाँ वो वाला वायरस है क्या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर आ चुका है, मैंने लगा दिया है जी। आपके यहाँ है तो मास्क लगा दीजिए, चश्मे लगा दीजिए और सैनिटाइज कीजिए अपने हाथों को, बार बार धोने की कोशिश कीजिए, जितना प्रोटेक्शन हो सके आपसे वो करने की कोशिश कीजिए। तो आज की सुबह इतना था, थोड़ा सा काम था तो मैंने आपको बता दिया। अगर तो पंखा चल रहा है तो थोड़ी आपको नॉइज आ रही होगी। सुबह के बज चुके 11 और हमारी को आ गई चाय। तो ये नहीं पीता था 2 दिनों से, लेकिन आज फिर से शुरू कर दिया है। और मैं तो पीता था, 1 दिन बंद किया था, लेकिन आज फिर से शुरू कर दिया क्योंकि इसके बगैर रहा नहीं जाता, क्योंकि मॉनसून सीजन में चाय तो ज़रूरी है। अभी टाइम हुआ है 2:00 बज चुके हैं और लंच वंच हो गया। मैंने गूगल पे देखा था सुबह को कि आज बारिश होगी, 80% प्रेडिक्शन थी कि आज बारिश होगी, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है यार। मैंने क्या कल देखा था तो 20% दिखा रही थी, सुबह देखा तो 80% दिखा रही थी, और अभी देखा तो फिर से 20% दिखा रही है बारिश। तो पता नहीं बादल तो ऐसे है कि अभी बारिश हो जाए, लेकिन बारिश तो हो ही नहीं रही। लगभग 3 दिन से इंतज़ार हो रहा है बारिश का, बादल इतने हैं कि अभी अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और आज शॉप में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो ऐसे घूम रहा हूँ। मैं अभी आया हूँ घर पे, क्योंकि मैं वहाँ से निकल गया था 5 बजे, शॉप से निकल गया था और अभी घर पे आ गया। घर पे क्या है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। घर पर मैं इसलिए आया था कि प्रसाद चढ़ाना था, क्योंकि गुजरात में हमारे यहाँ को व्रत है दशा माता जी के, और कुछ मुंबई साइड को मोमाई माता जी भी कहते हैं। तो आज लगभग 5वां दिन है व्रत का, 10 दिन का व्रत होता है। तो मैं प्रसाद बना रहा था इसलिए गुड़ लेके आया था मार्केट से। चलिए बताता हूँ कैसे प्रसाद बन रहा है। स्टार्ट हो रहा है प्रसाद, तो जब बनेगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। लेने के लिए मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर पर ही तुलसी माता का एक छोड़ है, पास में पत्ते तोड़ के लाऊंगा। और ये तुलसी की छोटा सा छोड़ से पत्ते ले लेता हूँ। चलिए इतने पत्ते हो गए। चावल बनाना कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं अपने घर की छत के ऊपर और अभी एक मैजिक ट्रिक दिखाने वाला हूँ। तो मैजिक ट्रिक इतनी थी कि जो अभी शूट देखा वो मेन कैमरे से था, उससे इतना बेटर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वाइड एंगल से थोड़ा सा बेटर दिखाई देता है। पता नहीं क्यों अंधेरे में भी अच्छा दिखाई दे रहा है। और अभी बादल थोड़े थोड़े से, यहाँ पर ज़्यादा बादल है इस साइड पर, लेकिन परसों और कल बारिश नहीं हुई क्योंकि इतने ज़्यादा बादल है होने के बावजूद बारिश नहीं हो रही। और कल 80% दिखा रहा था तो भी बारिश नहीं हुई, आज 90% दिखा रहा था तब भी बारिश नहीं हुई, और अब तो मुझे इतना विश्वास भी नहीं रहा कि कल 80% दिखा रहा है तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो थोड़ी देर यहाँ घूमता हूँ और निकल जाऊँगा नीचे की ओर, क्योंकि
वीडियो को एंड करना होगा, एडिट करना होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय।